हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एसके। मैं हूं सुनील और आज मैं हूं अब कुछ स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशल स्टूडेंट। गुड नेम, हाय, आई एम दीक्षिता, आई एम जानवी। ओके, तो मैं हूं दीक्षिता और जानवी के साथ में। और अभी जो आप काफी दिनों से वाइवा की तैयारी कर रहे हैं, वो वाइवा भले बीएस के लिए हो, अकाउंटेंसी के लिए हो, इकोनॉमिक्स के लिए हो, तो वाइवा की तैयारी के लिए काफी हमने वीडियो बनाए हैं। तो अब ये जो वीडियो है इसमें कुछ खास है, कुछ अलग है। ये अलग इसलिए है कि मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं करूंगा, मुझसे ये लोग क्वेश्चन करेंगे और बड़ा से जितने क्वेश्चन चाहे वो इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे और मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे कैसा रहता है। शुरुआत करते हैं, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, 3, 2, 1। ओके, आस्क क्वेश्चन। सर, हाउ प्राइसिंग इज मूविंग टू ब्लैक मार्केटिंग? Price ceiling, it means, I just want to explain it. Price ceiling, it means it is the situation where the market demand and market supply, at that point is called equilibrium. And price ceiling, it means the price decided below the equilibrium price. So, economics graphs, it's difficult to do it. Economics graphs, it's very easy. और वो तो मतलब अच्छा होता है, हमको उससे ही तो चीजें बड़े आसान हो जाती है। अब वो तो हम जब तक कोई चीज आएगी नहीं तब तक हमें डिफिकल्ट रहेगी। देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल से बताता हूँ। आप जैसे से फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? डिमांड कम होगी, है ना? मतलब प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब कहीं पर भी आपको ये चीज बताना है कि दो चीजें नेगेटिव है, तो आप उसको पूरी रामायण समझाए, इससे अच्छा तो जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो सिर्फ एक कर्व बना हुआ है, मान लीजिए कर्व बना हुआ है ये इस टाइप का, राइट? अब ये इसमें दिख रहा है, ये इस टाइप का डाउनवर्ड कर्व बना दिया। तो ये डाउनवर्ड कर्व का मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, एक चीज घट रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है, राइट? तो ग्राफ, सिर्फ एक ग्राफ से कितना सारा आइडिया लग गया, राइट? है ना? तो वो एक सिंपल वे में किसी चीज के नेचर को रिप्रेजेंट करने का आइडिया है। जैसे आपने एक ही कर्व बनाया, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनाया आपने, तो इसमें आपको सिंपली पता चल गया कि पहले कॉस्ट जो है कम कम होगी एक लेवल तक, उसके बाद में जो है कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। तो आप ये डीप स्टडी करने के लिए बहुत सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा इस चीज को आसान बनाने का यही एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब क्या है? आपने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा। हम जब बैंक रेट, रेपो रेट की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। इट मीन्स देश में लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अब जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा डिमांड रहेगी, ज्यादा डिमांड रहेगी तो ज्यादा महंगाई भी होगी। एक जरूरत से ज्यादा यदि डिमांड होगी तो महंगाई होगी, राइट? मतलब फुल इम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर। तो महंगाई को रोकना है, अब इसके लिए क्या होना चाहिए? लोगों को पास पैसे हमें कम करना है। अब यदि कम करना हो या बढ़ाना भी हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के पास ऑलरेडी पैसे कम है, लोग जो है अपने बिजनेस अच्छे से नए बिजनेस ना कर पा रहे हैं, या मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं जितनी डिमांड होना चाहिए। अब डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। अब पैसे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसे बढ़ाना है तो बैंक की रेट कम कर दो। जब आरबीआई बैंक रेट कम करेगी तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी इंटरेस्ट रेट क्या करेगी? कम कर देगी। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोन ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आएगा, जिसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। यानी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ज्यादा खर्च करेंगे इट मीन्स मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी, और ज्यादा डिमांड होगी इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ज्यादा डिमांड होगी तो सप्लायर के पास भी जो है वो ज्यादा चीजें प्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा इनकम जनरेट होगी, राइट? तो खर्च बढ़ेगा तभी इनकम बढ़ेगी, राइट? तो खर्च बढ़ाने के लिए पहले मनी को बढ़ाना पड़ेगा। कभी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो मनी को कम भी करना पड़ेगा। अब कम करने के लिए मान लीजिए आपने बैंक रेट, आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो लोन जो है कम लेंगे लोग, अब कम लोन लेंगे कम पैसे होंगे, कम खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे कम डिमांड रहेगी, कम डिमांड रहेगी कम प्रोडक्शन होगा, कम प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिक चीजें वापस बैलेंस। गवर्नमेंट किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे, इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट आ गया है, नेगेटिव इफेक्ट आ गया है? जी देखो, इसके दो तीन एस्पेक्ट है। पहली बात तो ये कि आप
हम इकोनॉमी में किस लेवल पर चल रहे हैं। अब इकोनॉमी में हम यदि ऑलरेडी जो खर्च है वो इक्विलिब्रियम फुल इम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल से भी ज्यादा आगे पहुंच चुका हो तो फिर तो इन्फ्लेशन ही बढ़ना है, महंगाई बढ़ना है। अभी फिलहाल कंडीशन ये है कि फुल इम्प्लॉयमेंट जरूर नहीं है लेकिन खर्च काफी ज्यादा लेवल तक हो चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों ने कर्ज ले लिया उसको खर्च कर दिया बट लेकिन इतना आउटपुट जनरेट नहीं हुआ तभी तो वापस पैसे चुकाना पड़े। अब वापस से भी कर्ज माफ कर दिया जाएगा तो ये इकोनॉमी पर देखा जाए तो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होगी और एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होगी तो इसमें ये कि इससे महंगाई वगैरह भी बढ़ेगी राइट। और इससे दूसरा एक और नुकसान ये भी है कि जो है बैंकों की बैंक जो है लोन देने में फिर आने वाले टाइम में ऐसा रहेगा कि किसानों को लोन देने में हिचकिचाएंगे राइट। तो इससे लॉन्ग टर्म कुछ नुकसान भी हो सकता है। वैसे एक सीधा तो दिख रहा है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मोनोपोलिस्टिक मार्केट जस्ट लाइक वी सीन इन नंबर ऑफ एग्जांपल एडवर्टीजमेंट जस्ट लाइक थम्स अप आज कुछ तूफानी करते हैं। अरे व्हाट तूफानी, क्या तूफानी कर लोगे हमेशा, ऐसा क्या तूफानी कर लोगे है? तो वो सिर्फ आपको एक्साइट करने के लिए हाँ चीज आप थम्स अप पियोगे तो आप में मतलब जुनून आ जाएगा और आप जो लोग हीरो बन जाएंगे, ऐसा कुछ होता तो नहीं है। रियल कोई हीरो बन गया ऐसा नहीं बना ना। तो इन द सेम वे दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग द कस्टमर। इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है? इकोनॉमिक्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो जरिए तो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर पर डेवलप है और यदि ये स्पेशली उन लोगों के लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई कोई सर्विस देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप जब भी बात करेंगे तो यहाँ रैशनैलिटी की बात आती है। रैशनैलिटी मीन्स जो किसी तर्क के बेसिस पर जो है डिसीजन ले राइट। अब से फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं इसमें कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात हमें पढ़ाई जाती है, फिर प्रोड्यूसर साइकोलॉजी की बात हमें पढ़ाई जाती है, फिर मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है वो हमें पढ़ाई जाती है। तो उसकी एक डीप स्टडी होती है कि प्राइस कैसे कम हो रही है, प्राइस कैसे बढ़ रही है और किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो प्राइस होता है। तो ऐसे आपसे फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेसमैन हैं या आप मैनेजर हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना है ना, अपने प्रोडक्ट का लेवल डिसाइड करना, ये सब चीज तो आपके लिए रिक्वायर्ड है। इसलिए जो है इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। आगे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इट मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मैक्रो इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इट मीन्स से फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, ये डस्टर एक ये पर्टिकुलर चीज है, इसको मान लीजिए इसकी प्राइस है 20 रुपीज है, तो 20 रुपीज जब इसकी प्राइस है तो इसको कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं कोई एक व्यक्ति है ना, या तो हम इसी एक ही डस्टर की बात कर रहे हैं या इस एक डस्टर को कितने लोग खरीदना चाहते हैं या कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की या जब हम बात करेंगे मैक्रो लेवल पर तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी डस्टर बन रहे हैं, जितने भी टाइप के डस्टर है, जितने भी खरीदने वाले हैं, सबका टोटल मिला जुला करके कितना खर्च हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, वो टोटल एक्सपेंडिचर का नाम जो है एग्रीगेट डिमांड है। तो उसमें सभी टाइप सभी चीज शामिल हो जाता है, पूरी इंडस्ट्री आ जाती है और यहाँ पर हम किसी इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, यदि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ठीक। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।